सोलन में अनलॉक के बाद मंदिर, स्कूल, सिनेमा हॉल और पार्क नहीं खोले गए हैं। स्कूल और मंदिरों को खोलने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द इन्हें खोल भी दिया जाएगा। लेकिन सोलन के पार्क कब खुलेंगे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, जिसके चलते सोलन शहरवासी बेहद चिंतित है। और उनका कहना है कि सोलन के पार्कों में वृद्ध लोग अपना समय बिताने और कसरत करने आते थे, लेकिन सोलन के पार्क बंद होने की वजह से वे नहीं आ पा रहे हैं। बाजार का भ्रमण करने पर ही मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रशासन को चाहिए कि शहर के सभी पार्कों को खोल दें। सोलन शहरवासियों ने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि जब सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान और जिम खोल दिए गए हैं, तो सरकार पार्कों को भी क्यों नहीं खोल रही है। उन्होंने कहा कि शहर के पार्कों को ना खोलने का सबसे बड़ा असर सीनियर सिटीजन्स पे पड़ रहा है, क्योंकि सभी वृद्ध शहरवासी अपने दोस्तों से इन्हीं पार्कों पर आकर मिलते थे और व्यायाम करते थे। पार्कों के बंद होने की वजह से वे अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, जिसे दूर किया जाना चाहिए। मेरा नाम विजय दुग्गल है। आई एम अटैच्ड टू सोलन वेरी वेल। मेरा ये कहना है, अगर पार्क खोल सारी सारा कुछ खुल गया है तो वाई नॉट पार्क। पार्क एक ऐसा जगह है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स डे टाइम में, जो रिटायर्ड हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो वहाँ आके रिलैक्स करते हैं और आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। वो अपना वहाँ बैठ के आइसोलेशन को भी दूर करते हैं। बात मानते हैं कि सब कुछ खुल गया है, पर मेरा पर्सनल व्यू है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग अगर वो कर लें और पार्क खुल जाएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ठीक है कि गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, पर वो अगर अपना थोड़ा सा ख्याल खुद रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद और अगर वो वहाँ पे आ जाएं तो मच बेटर। और मेरे हिसाब से पार्क खुल जाने चाहिए। मेरा तो ये पर्सनल व्यू है, जैसे कि जैसे बच्चों का है तो एक सेक्शन बच्चों का ही खोल दें कि बच्चे इतने टाइम से इतने बजे तक आ सकते हैं, ताकि उनका एक्टिविटी भी बनी रहेगी, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी ठीक से रहेगा। और थोड़ा टाइम आप उसको थोड़ा कैलिबर करिए, थोड़ा उसको बॉन्डिंग करके कि सीनियर सिटीजन का टाइम है तो वो सवेरे 11 बजे से लेके 1 बजे तक सीनियर सिटीजन आके बैठ जाएं। ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और लाइफ जो बिल्कुल सबड्यू हो गई है, सब बंद हो गई है, वो थोड़ी ओपन हो जाएगी। जैसे आप मार्केट खुल गई है, सब कुछ खुल गया, तो इसको भी खोलें। जहाँ तक पार्क की बात है, पार्क तो हमारे सोलन की एक तरह से और खासकर चिल्ड्रन पार्क हमारे सोलन की लाइफ लाइन है। यहाँ पर बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए तो ये जगह जो है वो उनके लिए घर जैसी जगह आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे लगे हैं और फ्रेश एयर उन्हें मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब जैसे कि सरकार ने तकरीबन सभी सेक्टर्स को खोल दिया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर सरकार यहाँ पर कुछ बुज़ुर्गों का ध्यान रखते हुए या बच्चों का भी, ताकि वो इस फ्रेश एनवायरनमेंट का फ़ायदा ले सकें और उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, कुछ समय के लिए, अगर ज़्यादा नहीं 24 घंटे नहीं खोल सकते तो एटलीस्ट कुछ समय 2 घंटे 2-2 घंटे सुबह शाम खोलने की कोशिश करें, ताकि उन्हें बुज़ुर्गों को एक अपनापन सा, जो कि लॉकडाउन के कारण उन्हें महसूस हो रहा है कि बिखर से गए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। कोरोना के विषय में जितना अवेयर कर सकती थी सरकार, उन्होंने कर दिया है। अब तो हर आदमी की अपनी जिम्मेवारी है कि वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और पर उसका मतलब ये नहीं है कि अब समाज से ही कट जाए। तो इसलिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है मानसिक तौर पर लोगों को बिल्कुल घर में रह कर उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कुछ कुंठित करती है, तो इसलिए हमारी ये सरकार से दरख्वास्त है कि वो इन पार्कों को जल्दी से जल्दी खोलें, ताकि लोग अपने दोस्तों से भी मिल सकें और इन खूबसूरत नज़ारों का फ़ायदा ले सकें।